आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल देवप्रीत पे। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं बात करने जा रहा हूँ गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया था कि न्यूटन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के बारे में। तो चलिए पिछली वीडियो की तरह ही मैं ये बनाऊंगा। सबसे पहले मैं फार्मूला लिखना पसंद करूंगा, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिसके थ्रू मैं गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला को अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो फार्मूला है हमारे पास, तो देखिए ये फॉर्मूला है गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि वाई नॉट प्लस म्यू डेल वाई नॉट अपॉन वन फैक्टोरियल म्यू म्यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस म्यू म्यू माइनस वन म्यू प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस वन प्लस म्यू प्लस वन म्यू म्यू माइनस वन म्यू माइनस टू अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल पावर फोर वाई माइनस टू प्लस सो ऑन। ठीक है, तो अब मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिसके थ्रू मैं गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला को अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है एनपी बाली का जो असाइनमेंट है उसका एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ। ठीक है, और हाँ एक बात, इससे पहले हम लोगों को जो डिफरेंस टेबल होता है उसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही मैं आपको डिफरेंस टेबल के बारे में बताऊंगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए यूज गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला टू फाइंड वाई थर्टी गिवन दैट, जहां पे हमको एक्स का वैल्यू 21, 25, 29, 33 और 37 दिया हुआ है और एफ ऑफ एक्स हमको दिया हुआ है इतना। ठीक है, तो अब हमको कहता है कि जैसे कि जब x का वैल्यू 21 है तो एफ एक्स का वैल्यू 18.470 है, जब 25 है x का वैल्यू तो एफ एक्स का वैल्यू 17.814 है, तो मेरा जब y का वैल्यू मतलब कि जब मेरा ये x का वैल्यू जो है यहाँ पे x का वैल्यू जब 30 होगा तो एफ एक्स का वैल्यू मेरा क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले अब इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए निकालना क्या क्या होगा, तो सबसे पहली बात कि वाई नोट निकालना होगा, म्यू निकालना होगा, फिर हमको निकालना होगा डेल स्क्वायर वाई नोट वाई माइनस वन निकालना होगा, उसके बाद डेल पावर वाई माइनस टू डेल क्यूब माइनस वाई माइनस वन, तो ये सब हमको सब निकालना है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि जो इसका डिफरेंस है वो सेम है या नहीं। ठीक है, बिटवीन जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तो जिसको हम लोग एच से लिखते हैं। एच क्या होता है, इक्वल इंटरवल बिटवीन द एक्स, तो एच का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। तो एच का वैल्यू क्या है, 21 4 25, मतलब 4 का यहाँ भी डिफरेंस है, 25 4 29, यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, मतलब टोटल में 4 का डिफरेंस है, तो हम लोग एच इक्वल टू 4 ले लेंगे। और ए कौन सा वैल्यू लेते हैं गॉस फॉरवर्ड में कि जो मेरा मिडिल वैल्यू होगा, तो जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 है, तो पाँचों का जो मिडिल वैल्यू है कितना है 29। देखो इधर 2 वैल्यू है और इधर 2 वैल्यू है, तो हम लोग जो सेंटर वैल्यू होता है जिसको हम लोग ओरिजिन वैल्यू बोलते हैं उसको हम लोग ए मानते हैं, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग 29 लेंगे। और जो ये 30 दिया हुआ है ये क्या होता है, ए प्लस वो होता है ए प्लस एच म्यू इक्वल टू 30, तो यहाँ से देखिए मेरे पास एच का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, तो यहाँ से हमारा म्यू का वैल्यू निकल जाएगा, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा, तो सॉरी पहले मैं इसको लिख देता हूँ, एच का वैल्यू कितना है 4 प्लस ए का वैल्यू 29, समझाने के लिए अच्छे से मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। तो जब इसको उस साइड लेके जाएंगे तो 30 माइनस 29 तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा 0.25। ओके, अब हमको क्या बनाना है कि एक टेबल बनाना है जिसका नाम होता है डिफरेंस टेबल। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x लिखेंगे, उसके बाद f ऑफ x, फिर डेल ऑफ f ऑफ x, डेल स्क्वायर f ऑफ x, डेल क्यूब f ऑफ x एंड डेल पावर 4 एफ ऑफ एक्स, जब तक हम लोग को सिंगल वैल्यू नहीं मिल जाता। सिंगल वैल्यू मतलब होता है कि हम लोगों को एक ये जो कॉलम है ना एक ही वैल्यू रहना चाहिए। चलिए मैं जब इसको
सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो x का वैल्यू है, हमको जो x का वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू जस्ट इसको कॉलम वाइज हम लोग लिख लेंगे। तो इसका जो वैल्यू है क्या क्या दिया हुआ है, 21, 25, उसके बाद है 29, 33 एंड 37। अब देखिए जो एफ एक्स का वैल्यू है, जो यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इन सब वैल्यू को हम लोग यहाँ पे उतार लेंगे। तो इसका जो वैल्यू है 18.470, उसके बाद है 17.814, 17.107, उसके बाद है 16.343 एंड 15.575। तो देखिए जब इसका एक कॉन्सेप्ट है डेल एफ एक्स निकालने का, इससे पिछले जो लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि डेल एफ एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, जब इसमें से इसको हम लोग घटा देते हैं तो मेरा वैल्यू निकल जाता है, फिर इसमें से इसको घटाते हैं तो फिर दूसरा वैल्यू निकलता है, फिर इसमें से इसको घटाते हैं तो फिर तीसरा वैल्यू निकलता है, वैसे निकलता है। तो चलिए डेल एफ एक्स का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब 17.814 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे 18.470, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा माइनस, ठीक है, इसका जो वैल्यू आएगा -0.656। ओके, जब फिर इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.707। उसी तरह से जब इसमें से इसको जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा -1.471। इससे इसको हो गया, इससे जब इसको सब्ट्रैक्ट करते ये आ गया, इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट करते ये आया, अब फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 0.768। ओके, उसी तरह से जब हम लोग डेल स्क्वायर एफ एक्स को निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, वो वैल्यू आएगा -0.051। एंड जब इसमें से फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा -0.764। एंड जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर मेरा वैल्यू आएगा 2.379। ओके, फिर जब हम लोग डेल क्यूब एफ एक्स निकालेंगे तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा क्या होगा, इसमें से फिर इसको घटाना है तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, -0.713। एंड जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 3.003। फिर इसमें से इसको जब घटाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा 3.716। तो देखिए यहाँ पे हमारा सिंगल वैल्यू आ गया है, यदि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो देखिए यहाँ पे हमारा सिंगल वैल्यू आ गया है। तो डेल पावर फोर एफ एक्स तक ही हम लोग सीमित रखेंगे। यदि यहाँ पे हमारा डबल वैल्यू आता, दो आता, तो हम लोग डेल पावर फाइव एफ एक्स का भी वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ता। तो चलिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है निकालने के लिए कि डेल एफ एक्स इसमें से कौन सा लें, डेल स्क्वायर एफ एक्स इन तीनों में से कौन सा लें, डेल क्यूब एफ एक्स इन दोनों में से कौन सा लें। तो इसका एक टेक्निक है जिसको हम लोग सेंट्रल डिफरेंस टेबल बोलते हैं ना, उसी के थ्रू निकालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जो इसमें से जो मेरा क्या है मिडिल वैल्यू है उसको हम लोग क्या करते हैं, घेर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल डिफरेंस, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डिफरेंस इसको। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे घेर देते हैं। ओके, तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग लिखते हैं वाई जीरो, इससे ऊपर जो भी वैल्यू होता है वाई माइनस वन, इससे ऊपर जो होगा वाई माइनस टू। ओके, एंड इससे जो नीचे होगा ये होगा वाई वन एंड वाई टू। उसी तरह से जब इसका भी वैल्यू हम लोग मान बैठाएंगे तो कैसे बैठाएंगे, सबसे ऊपर में देखिए सबसे ऊपर कितना गया हाइएस्ट मेरा वाई माइनस टू, तो यहाँ भी सबसे हाइएस्ट वाई माइनस टू लिखेंगे। उसी तरह से ये हो जाएगा वाई माइनस वन, वाई जीरो एंड वाई वन। फिर उसी तरह से ये हो जाएगा वाई माइनस टू, वाई माइनस वन, वाई नॉट। उसी तरह से ये होगा वाई माइनस टू, वाई माइनस वन, फिर यहाँ पे हो जाएगा वाई माइनस टू। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाई माइनस टू है, ठीक है, सॉरी ये जो है वाई माइनस टू है यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा गॉस फॉरवर्ड है, गॉस फॉरवर्ड में हमेशा हम लोग जो लेते हैं वैल्यू ऐसे तीर लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, जैसे आपको मैं अभी ड्रॉ करके बता रहा हूँ। तो देखिए अभी जो हम लोग लेंगे, हम लोग ऐसे लेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ से हम लोग इस साइड लेते हैं गॉस फॉरवर्ड में, तो मतलब कि ये वैल्यू हम लोग लेंगे अभी,
ठीक है, मतलब कि डेल एफ एक्स का वैल्यू हम लोग ये वैल्यू लेंगे। उसी तरह जब हम लोग ऐसे तीर आया, उसके बाद मेरा तीर ऐसे ऊपर उठेगा, उसके बाद मेरा तीर ऐसे नीचे आएगा, उसके बाद फिर ये ऊपर उठेगा। तो देखिए आपको समझ में आया आ गया होगा आई होप। तो हम लोग जो वैल्यू लेंगे इन सब वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप लोगों को, अच्छे से सिर्फ समझ में आना चाहिए। तो देखिए अब मेरा जो वैल्यू आ गया है एफ एक्स का वैल्यू 17.107, डेल एफ एक्स का वैल्यू मेरा आ गया 1.471 एंड डेल स्क्वायर एफ एक्स का वैल्यू आ गया 0-0.74764, डेल क्यूब एफ एक्स का वैल्यू आ गया 3.003 एंड उसी तरह से जो डेल पावर 4 एफ एक्स का वैल्यू आ गया 3.716। ओके अब हम लोग को क्या करना है कि जो हमको निकालना था जो वैल्यू, सब वैल्यू हमारा निकल चुका है, अब ओनली हम लोगों को फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था क्या कि चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ फॉर्मूला। तो देखिए मैंने यहाँ पे फिर से फॉर्मूला में लिख दिया हूँ जो फॉर्मूला है गॉस फॉरवर्ड का। तो देखिए जो यहाँ पे वाई नोट है, तो वाई नोट का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 17.107 प्लस म्यू, म्यू का वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं, देखिए यहाँ पे म्यू का जो वैल्यू निकाले हैं 0.25 निकाले हैं ना, तो उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0.25 इंटू 0.25 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, तो डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 देखिए डेल स्क्वायर है, इसके सामने में जो वैल्यू आया है डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 की जगह पे हम लोग ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 है ना, तो इसके जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। उसी तरह से देखिए यहाँ पे म्यू के जगह पे जो वैल्यू निकला है 0.25 सभी जगह बैठा देना है, उसके बाद 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू डेल क्यूब वाई माइनस 1, तो डेल क्यूब यहाँ पे डेल क्यूब वाई माइनस 1 का देखिए वैल्यू, डेल क्यूब यहाँ पे वाई माइनस 1 यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू कितना है 3.003, तो हम लोग इसके जगह पे हम लोग 3.003 हम लोग पुट कर देंगे। उसी तरह से जब डेल पावर 4 एफ एक्स है, तो डेल पावर फोर एफ एक्स के जगह पे हम लोग ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 3.716। तो देखिए 3.716 वाई माइनस 2 है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाई माइनस 2 है ना, तो अब हम इसका सभी का वैल्यू हम लोग अभी पुट करता हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, जो फॉर्मूला था उसमें हम लोगों ने पूरा वैल्यू को पुट कर दिया। तो जब हम लोग पुट किए यहाँ पे वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्यों किए, क्योंकि देखो फॉर्मूला में यहाँ पे 4 फैक्टोरियल दिया हुआ था, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ था 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, ठीक है। तो जब इसको हम लोग फिर से इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, तो यहाँ पे जो उसका वैल्यू आएगा 17.107 माइनस 0.36775, जब इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इतना वैल्यू आएगा। उसके बाद प्लस जब इन सब को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.071625 एंड माइनस जब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, सॉरी इस वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.11730467, क्योंकि मैं पहले से कैलकुलेट करके रखा हूँ इसलिए मैं इतना इजीली बता पा रहा हूँ। तो फिर प्लस जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर की सहायता से, अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.063505। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 16.8027। तो ये हो गया आंसर कि Y30 पे हमारा जो वैल्यू आएगा तो वो आएगा 16.8027। तो थैंक यू सो मच। और जो हम इसका और एक दो क्वेश्चन मैं इसमें सेंड करूंगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दो तीन क्वेश्चन को और मैं सॉल्व करूंगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इसी तरह अपडेटेड वीडियो जो पाने के लिए आपका जो चैनल है देवप्रीत, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के अपने स्टेटस पे रखा कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके अपने दोस्तों को। तो थैंक यू सो मच अगेन एंड मिलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला का ही मैं क्वेश्चन 3-4 और सॉल्व करूँगा, जिससे
आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। थैंक यू सो मच।